गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं गौरव महिंद्रा आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने क्लियरेंस स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स के लिए एक टाइम डिसाइड करा है। उसका टाइम लिमिट है 31 दिसंबर, क्लियर है। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पेज को सभी लोग, मैक्सिमम लोग अपने फेसबुक पेज पर टैग करें, ट्विटर पर टैग करें, जिससे क्लियर इस मुहिम में सभी लोग जुड़ सकें। तो बहुत जल्दी सभी लोग जुड़ना शुरू हो जाइए। मेरी वॉइस अगर आप तक पहुंच रही हो तो जल्दी से एक मैसेज ड्रॉप करना शुरू कर दीजिए सभी लोग। और हम लोग आज की क्लास में यूपीएसआई पर डिस्कशन करने वाले हैं। यूपीएसआई में बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसीज डिक्लेयर हुई हैं। नोटिस करना, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि 5,500 वैकेंसीज, क्लियर है, दिसंबर और जनवरी में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी यूपीएसआई में आपको एक इस साल नौकरी पाने की। देखिए, जहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पर अगर मैं फोकस करूँगा तो डैम श्योर है सिलेक्शन की चांसेस भी बढ़ जाती हैं हमारी, ये सब हम लोग जानते हैं। नोटिस करना, क्लियर है, इस समय आईबीपीएस क्लर्क की जो वैकेंसी निकली हुई है 1500 वैकेंसी निकली हैं आईबीपीएस क्लर्क। अब यूपीएसआई में 9,500 वैकेंसी डिक्लेयर हुई हैं। तो नोटिस करिए, आप अगर खुद सोच सकते हैं कि 1500 ज़्यादा है कि 9,500 ज़्यादा है, 9,500 ज़्यादा है। तो 9,500 वैकेंसी पर आपको बहुत अच्छा चांस मिलेगा कि अगर आप एलिजिबल हैं तो उसका फॉर्म ज़रूर भरिए। और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यूपीएसआई में जॉब पाने की। इसके लिए एज लिमिट होती है, कई सारे क्राइटेरिया हैं उनको फोकस करना होता है। इसका फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली सेप्टेम्बर तक आ जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है, न्यूज़पेपर में भी आ चुका है, हर जगह डिक्लेयर है, क्लियर है। फॉर्म सितंबर तक आ जाएगा और दिसंबर से जनवरी में इसका एग्ज़ाम होगा। अब नोटिस करना, 2017 में इसका लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था, 2017 में, उसके बाद से एग्ज़ाम नहीं हो पाया, क्लियर है, एक्स वाई जेड जो भी रीजंस रहे हों, क्लियर है। तो हम लोग को जल्दी से आज की क्लास में जुड़ जाइए। और सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने पेज पर अपने, क्लियर है, फोटोग्राफ में आप ये जो मैंने इमेज आपको दी हुई है आप इसको टैग कर सकते हैं। आज की क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूपीएसआई रियल क्वेश्चंस। जानिए कितने तैयार हैं आप। देखिए, यूपीएसआई में जो पेपर बन रहा है उस पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के, ये बात सभी को मेरे ख्याल से पता होनी चाहिए, क्लियर है। इसमें से 30 क्वेश्चन आपको प्योर एसएससी से मिल जाएंगे, प्योर एसएससी के 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो 10 क्वेश्चन आपके बच गए वो बैंक के आएंगे। और कुछ ऐसा ही होने जा रहा है सीईटी का एग्ज़ाम, नोटिस करिएगा, सीईटी का एग्ज़ाम भी जब नोटिस करिए होने जाएगा, क्लियर है। और महिंद्रा भी आपको स्पेशली है ना बेस्ड ऑन मेमोरी सेट देने वाला है। तो नेचुरल सी बात है, वो 10th का सीईटी अलग है, 12th का अलग है, ग्रेजुएशन का अलग है। तो नोटिस करना, एसएससी के स्टूडेंट ज़्यादा हैं, क्लियर है, संख्या में भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो मोस्ट प्रोबेबली एसएससी के पैटर्न को प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये तो फैक्ट है। अब नोटिस करना, यहाँ पे 30 क्वेश्चन एसएससी के हैं, 10 क्वेश्चन आपके बैंकिंग के पूछे जाते हैं, दोनों कॉम्बो बना दें तो 40 क्वेश्चन का सेट बनता है यूपीएसआई में। और पेपर भी बहुत एक मीडियम लेवल पर होता है, एकदम हलवा नहीं होता है पेपर। बहुतों को लगता है एसएससी का पेपर एकदम हलवा आता है रीजनिंग का, लेकिन यूपीएसआई का पेपर अगर आप खोल के देखेंगे तो वो एकदम हलवा नहीं होता है, ये बात फैक्ट है। अब नोटिस करना, हमें करना क्या है कि हमें आने वाले प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। दूसरा, महिंद्रा की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देने जा रहा हूँ कि संडे से, क्लियर है, कमिंग संडे से, क्लियर है, सीईटी के बेस पर एक मॉडल पेपर, क्लियर है, ये एक एक्सपेक्टेड है जो होना चाहिए, होना चाहिए ऐसा पेपर। तो वो पेपर हम लोग संडे को कराने जा रहे हैं, तो संडे को तैयार रहिएगा सभी लोग कि एक्सपेक्टेड पेपर होने जा रहा है सीईटी पर, कि ऐसा मॉडल होना चाहिए, क्लियर। अब देखो, गवर्नमेंट जब डिक्लेयर करेगी तो नो डाउट फाइनलाइज हो जाएगा, लेकिन हाँ, हम एक अजम्पशन लगा सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जल्दी सभी लोग जुड़ चुके हैं, आज का सेशन हम लोग आगे बढ़ाते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आकांक्षा जी, आशुतोष जी, दिव्यज्योति दास जी, सभी लोग गुड मॉर्निंग है, क्लियर है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में नोटिस करना, यूपीएसआई पे क्वेश्चन होने जा रहे हैं। तो यूपीएसआई, देखो, जहाँ पर एसआई का नाम आया वहाँ पर लॉजिकल के बिना, क्लियर है, पॉसिबल नहीं है। दूसरा, मैंने आपको सिलॉक्स का एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट सिखाया है पिछले 3 क्लासेस में, कि सही और गलत का फैसला हम लोग कैसे करते हैं, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, ये बात आपको भी समझ में आ गई होगी। कुछ मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लिए हैं और रीजनिंग पूरा प्रैक्टिकल है। एक बात तो समझ लेना, रीजनिंग को जितना आप प्रैक्टिकल समझोगे, अभी तो आपको लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे नाम है एक अजम्पशन, नाम सुना है आपने अजम्पशन,
इसके अलावा कंक्लूजन, ये भी पूरे प्रैक्टिकल है। कंक्लूजन ये पूरा प्रैक्टिकल है जो रीजनिंग को अपनी लाइफ में कैसे वो सिखाता है। देखिए सिलॉक्स का छोटा सा एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा, जो मैंने सिलेंडर वाला एग्जाम्पल लिया था या जो किसी के नाम वाला एग्जाम्पल लिया था टाया वालों को, वैसे ही अजम्पशन और कंक्लूजन है जो पूरा लाइफ में एग्जैक्टली यूज़ हो रहे हैं। यहाँ तक कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अजम्पशन हम इस्तेमाल करते हैं, वही चीज़ हमारे क्वेश्चन पेपर में आती है। तो आज के क्वेश्चन सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं का, आप देख सकते हो ये आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है, इंग्लिश में है और उसके जस्ट अगले पन्ने पर हिंदी में आएगा। ये एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रियल एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो फटाक से सॉल्व करिए। हिंदी वाले लोग दो सेकेंड वेट करें, मैं पहले इंग्लिश वालों को दिखा देता हूँ। इंग्लिश वाले लोग इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर मैं हिंदी पे जाऊँगा, हिंदी वालों को टाइम दूंगा। Recently, government had decided to limit the role of the film censor board to certify the film in various category. अब तीन argument है, इसमें आपको पता लगाना है कौन सा argument strong है। Clear है, logical reasoning का question है और argument की जो length, ये banking का question है जो UPSI ने उठाकर दिया हुआ है। ये banking में इतने बड़े बड़े questions आते हैं, यहाँ तक कि banking में इससे भी बड़े questions पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको हिंदी में दिखाया जाए, इंग्लिश वाले लोग अगर पढ़ चुके हैं तो जल्दी से आपको इंग्लिश में जाते हैं और फिर एक चलिए, मेरे ख्याल से प्रॉपर हो गया होगा। क्लास थोड़ी देर के लिए बीच में बफरिंग होना शुरू हो गई थी, कोई बात नहीं। अब देखिए समझा, इसको रीड करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया, अब मेरे ख्याल से हमारा प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन हो, कि अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। क्या प्रॉपर वे में क्लास रन कर रही है तो मैं आगे पढ़ाऊं? अगर प्रॉपर क्लास, मेरी वॉइस अगर आप तक पहुंच रही है तो जल्दी से मैसेज ड्रॉप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बीच में मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। अब मेरे ख्याल से क्लास प्रॉपर होगी, तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने आंसर पे काम करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से अब प्रॉपर वे में क्लास चल रही है, तो अब मेरे ख्याल से वॉइस भी आ रही होगी। जल्दी से एक बार एक कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करना शुरू कर दीजिए, क्लियर है, प्रॉपर है या नहीं है, अभी प्रॉपर है। धीरज जी, दिव्यज्योति दास जी, अगर मेरी, चलिए बहुत बढ़िया, अब मेरे ख्याल से प्रॉपर चल रहा है सब कुछ, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो गया है। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर बताते हैं। देखिए आंसर होगा क्या, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। केंद्र सरकार ने निर्णय लेकर फिल्म सेंसर बोर्ड की भूमिका को विभिन्न श्रेणियों में फिल्मों की प्रमाणित करने तक सीमित कर दिया है। बिल्कुल वैलिड है, कर दिया है, क्लियर है, कि फिल्म, जो भी फिल्म बनेगी वो फिल्म सेंसर बोर्ड से पास होगी तभी वो रिलीज होगी। समाज की नैतिक संरचना का रक्षा करने के लिए सरकार का एक दायित्व है, इस कर्तव्य को निर्वाहन एक तरीका है, फिल्म सेंसरशिप इस कदम के जरिए सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाएगी। क्लियर है, पहला पॉइंट कह रहा है, कई क्षेत्रों में उन्नत अर्थव्यवस्था के विशिष्ट समूह में भारत शामिल हो रहा है, उन देशों की तरह इससे भी पुरातन प्रथाओं से छुटकारा पाना चाहिए। देखो लॉजिक अपना स्ट्रांग रखिए तो अपने आप समझ में आएगा, बिल्कुल पूरा दूसरा वाला 100% गलत है। जो गलत होगा वो जल्दी दिखेगा, जो सही होगा वो कन्फ्यूज़न पैदा करता है, हमेशा ध्यान रखिए। देखिए पहला वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन दूसरा वाला डैमश्योर गलत है, ये बात फैक्ट है, हमेशा ध्यान रखिए। गलत को पहले पकड़िए, सही वाला हमेशा कन्फ्यूज़न पैदा करता है। अब तीसरे वाले को देखते हैं, क्लियर है, अब नोटिस करना तीसरा वाला, क्लियर है, अगर सही हुआ भी तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, देख सकते हैं या तो तीनों सही होंगे
या तो एक और दो सही होंगे या तो एक सही होगा। तो लोकतांत्रिक विकास के उद्देश्य से मैं व्यक्तिगत इसको वैसे तीसरे वाले को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखो तीसरा वाला दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, दैट मीन्स कि दूसरा वाला भी गलत होगा। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, आंसर फर्स्ट ही बनेगा। लोकतांत्रिक विकास के उद्देश्य, देखो ये ऑप्शन भी आपको बड़ा हेल्प करते हैं एलिमिनेशन में। दूसरा वाला आपका कट गया, तो दूसरा वाला कटने से ऑप्शन नंबर टू खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर थ्री खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर फोर खत्म हो गया, तो यही ऑप्शन बचेगा। देखा, तो जो फर्स्ट और थर्ड का जो कॉम्बिनेशन हम लोग सोच रहे थे वो ऑप्शन ही नहीं है, तो हम दिमाग क्यों लगाएं। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है? इस वजह से आपके समय बच सकता है। क्लियर? तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर है? बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब देख, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आकांक्षा जी सभी को कह रहे हैं वॉइस क्लियर है सर। चलिए बहुत बढ़िया, बीच में कुछ नेटवर्क इश्यू हुआ था, अब वो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर देना शुरू करिए। अभी भी देखिए बहुत सारे लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, ये गलत बात है। आशुतोष जी ने देखिए आंसर दे दिया, फर्स्ट बोला है। धीरज ओनली वन पर जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सॉल्व करिए। गलती हुई तो 2.5 नंबर का सीधे पेनल्टी है, 2.5 नंबर। बहुत बढ़िया धीरज शर्मा जी है ना, सपना जी, सभी ने आंसर देना शुरू कर दिया है। और आंसर फोर्थ आ रहा है, हो गया गड़बड़। फोर्थ इज द राइट आंसर। अब देखिए 20 सेकेंड के बाद मैंने 20 सेकेंड और भी दिए थे और आंसर फोर्थ आ रहा है। लॉजिक आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं लोग नो गड़बड़ कर गए। देखो तो यहाँ पहला वाला तीसरे पर गया +1 लेकर, क्या लेकर? +1 ले। तो तीसरा वाला पहले पर आया +3 लेकर, देख सकते हैं। दूसरा वाला +2 लेकर नीचे उतर आया। इसी तरह से लास्ट 3 एलिमेंट में ये +1 लेकर गया, तो ये +3 लेकर नीचे आया, बात समझ में आई। और ये वाला एलिमेंट +2 लेकर नीचे उतर आया। इस तरह से आपके सामने 3 एलिमेंट्स बनाए हैं, मतलब कुछ नया लॉजिक दिया गया था और कई लोग इसमें डूबे हैं। क्लियर है? जो लोग ओनली वन बोल रहे थे डूब गए इस क्वेश्चन में, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, UPSI का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो एग्ज़ाम SSC से ऊपर होता है, SSC से अपर लेवल होगा और बैंकिंग से लोअर लेवल होता है, मतलब मिडिल का एग्ज़ाम होता है UPSI का। SSC से थोड़ा सा अपर लेवल होता है और बैंकिंग से थोड़ा लोअर लेवल होता है UPSI का एग्ज़ाम। तो देखा गया है कि UPSI का एग्ज़ाम जो बनाया जाता है वो SSC से थोड़ा सा अपर लेवल होगा। अब ये क्वेश्चन SSC में आपने कहीं नहीं देखा होगा, रियलिटी है, कहीं देखा होगा ऐसा लॉजिक, लेकिन बैंकिंग में कई बार पूछा जा चुका है। पहला, अब देखो हमें कैसे पता चलेगा, इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। पहला शब्द बहुत ध्यान समझना, अगर तीसरे पर गया तो तीसरा शब्द पहले पर आना चाहिए, ये लॉजिक होता है। इसी के बेसिस पर हम लोग इसको गेन करते हैं, समझ में आया। और ये एक सिमेट्री बनाई जाती है, सिमेट्री के बेसिस पर आंसर बनाया जाता है, समझ में आया सभी को? तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सारे लोगों ने अभी भी देखो सेशन को शेयर नहीं करा है, जल्दी से सेशन को शेयर एंड कर लीजिए सभी लोग। क्लियर है? और लाइक जिन लोगों ने नहीं करा है वो लोग लाइक भी कर लें सेशन को। अब आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एनालॉगी के ऊपर क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार लॉजिक है, इसको मैं कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पिछला वाला क्वेश्चन भी बहुत शानदार था, ये SSC से थोड़ा सा ऊपर है और बैंकिंग से थोड़ा नीचे है। क्लियर है? तो आपको आंसर देना है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था। दिव्यज्योति दास जी सभी को समझ में भी आ गया होगा। प्रियंका जी नेक्स्ट क्वेश्चन की डिमांड कर रही है, प्रियंका जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बढ़िया। और एक चीज़ ध्यान रखना, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ये चीज़ जो पेपर UPSI का है, ये मेरा पॉइंट है कि सेम ऐसा पेपर CET का भी होगा, जो बैंकिंग से थोड़ा नीचे होगा और SSC से थोड़ा ऊपर होगा। क्योंकि देखो अगर प्योर SSC का पेपर हम लॉन्च कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी पता है? मैक्सिमम लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। प्योर बैंकिंग का पेपर अगर हम लॉन्च कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? सबके सब फेल हो जाएंगे। तो एग्जामिनर ये भी नहीं चाहता सबके सब पास हो जाएं, ये भी नहीं चाहेगा सबके सब फेल हो जाएं। तो उसको करना क्या पड़ेगा? बैंकिंग से थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा और SSC से थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। अब इसमें होगा क्या? मीडियम लेवल पे लोग क्वालिफाई होंगे, ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं, सभी लोगों ने फर्स्ट आंसर दिया है, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। आंसर भी फर्स्ट आ रहा है, बहुत ही शानदार। नोटिस करना, सबको जोड़ा गया है, डिफरेंस बहुत ही बढ़िया। देखो सबको जोड़ा गया है, डिफरेंस कितना, लोगों का सम कितना आ रहा है 42, इसका सम कितना आ रहा है 70, दोनों का डिफरेंस लोगे तो 28 आ रहा है। इन दोनों का ये 42 आ रहा है, ये 70 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 28 आता है। इसका सम अगर लोगे तो कितना आ रहा है 66। अब 66 अगला जो भी होगा उसका सम होने के बाद डिफरेंस 28 आना चाहिए।
तो या तो हम 28 इसमें जोड़ दें या तो घटा दें, दो ही ऑप्शन है मेरे पास, क्लियर है? या जोड़ेंगे तो जो वैल्यू आ रही है वो सम के बराबर होनी चाहिए, घटाएंगे तो भी सम के बराबर होनी चाहिए, घटाया गया है यहाँ पर, तो इस बेसिस पर आप निकाल सकते हैं आंसर फर्स्ट आ रहा है। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर है? अब लोग इसमें लगा रहे होंगे दिमाग कि एक वॉवल है यहाँ पर भी एक वॉवल है, क्लियर है? तो ऐसा कुछ नहीं है, वॉवल और कॉन्सोनेंट का लॉजिक नहीं लिया गया, याद रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एकदम नया है, यूनिक है, बहुत बढ़िया। क्लियर है? बहुत बढ़िया, सभी लोगों के आंसर एकदम परफेक्ट गया, 99% लोगों ने एकदम एक्यूरेट आंसर दिया है। क्लियर? तो जल्दी से अगला मूव करें हम लोग। जो लोग बाद में जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है जल्दी सेशन को भैया लाइक कर लो, शेयर कर लो। क्लियर है? जिन लोगों ने अभी भी सेशन को शेयर नहीं करा है, सर फिर से बता दीजिए। जीत जी बोल रहे हैं, सर फिर से बता दीजिए। चलिए जीत जी, आपको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार। देखो सबसे पहले देखो, आई की वैल्यू कितनी है? 9। जे की वैल्यू कितनी है? 10। सबकी वैल्यू लिखी गई है, उनको जोड़ दो तो वैल्यू कितनी आती है? 42। इसमें भी इनकी वैल्यू जोड़ दो तो वैल्यू कितनी आती है? 70। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 42। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 70। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 28। इसको जब हम जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी 66। अब 66 इसकी वैल्यू आ रही है, और अगला जो सम आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 38। अब हमें कैसे पता 38 ही होगा भैया? या तो 28 घटाओगे या तो 28 जोड़ोगे, और उस बेसिस पर आंसर निकालोगे और यहाँ पे सम करोगे इन सबका। तो दैट मीन्स कि टाइम टेकन है क्वेश्चन, बस इतना ही, दैट्स वाई। क्लियर है? बिल्कुल, मैंने रिपीट भी कर दिया है क्वेश्चन को, जीत जी जो आपने बोला था क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन, इसीलिए मैंने लिख कर दिया हुआ है आपको, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। क्लियर? दैट्स वाई। तो जल्दी अगला बताते हैं, अगला सॉल्व करिए। पॉइंटिंग टू द पिक्चर अ मैन सेड, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और मैं मान नहीं सकता इसमें गलती करेंगे लोग, तो ध्यान से सॉल्व करिएगा सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, फटाक से सॉल्व करके आंसर बताइए सभी लोग। बीस सेकेंड का टाइम बहुत सफिशिएंट है, अगर 20 सेकेंड में आप सॉल्व कर ले रहे हैं, क्लियर है, तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। पिछला वाला क्वेश्चन देखते हैं इस बार वाले क्वेश्चन में कितने लोग सही आंसर देते हैं। अभी तक देखो किसी का आंसर नहीं आया, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है, कोई बात नहीं, तो फटाक से सॉल्व करके बताइए मुझे। पॉइंटिंग टू द पिक्चर अ मैन से दिस वुमेन डॉटर ब्रदर इज माई फादर इन लॉ, क्लियर है? 20 सेकेंड के टाइम पर भी लोग अभी तक आंसर नहीं दे। राजेश जी ने बोला सबसे पहले, अंजलि अंजलि जी ने बोला सेकेंड सेकेंड सेकेंड, दो लोगों का सेकेंड आ गया, बहुत ही शानदार। पॉइंटिंग टू द पिक्चर अ मैन से, मैन के लिए एम लिख लिया, पिक्चर के लिए पी लिख लिया, दिस वुमेन इज द डॉटर, क्लियर है? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है इस महिला की बेटी, महिला की बेटी का भाई मेरा ससुर है, इस आदमी का ससुर है, तो इस आदमी की बेटी मैन बन गया। अब देखो उसने उस व्यक्ति का तस्वीर में मौजूद महिला से क्या संबंध, उस व्यक्ति का तस्वीर मतलब इसका इसके साथ पूछा गया है, तो ग्रैंड सन इन लॉ, ग्रैंड सन इन लॉ इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ग्रैंड सन इन लॉ, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? कुछ लोगों का गलत हुआ है, शेफाली जी का गलत हुआ है, कोई बात नहीं शेफाली जी, क्लियर है? आप क्वेश्चन फिर से एक बार सॉल्व करिएगा, मुझे नहीं लगता ब्लड रिलेशन में किसी को प्रॉब्लम होती है, बस अगर आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। देखो तो हस्बैंड वाइफ को हम लोग हमेशा इस तरह से बनाते हैं, मेल को बॉक्स से बनाते हैं, फीमेल को सर्कल से बनाते हैं, भाई बहन को हम यूँ बनाते हैं, अगर ये भाई है और ये बहन है तो यूँ बनाएंगे, और उनके फादर मदर है तो ये हो गए फादर और ये उनकी मदर हो गए। अगर डायग्राम आपको बनाना आता है तो जो कह रहा है उसका डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, आंसर निकल आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं बिना डायग्राम बनाए सॉल्व करते हैं, वहीं से क्वेश्चन गलत होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा बिना डायग्राम बनाए सॉल्व करने पर चांसेस हैं गलत होने की। क्लियर है? तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर है? बहुत बढ़िया, क्लियर है? ये SSC बेस्ड क्वेश्चन है पूरा, ये बैंकिंग में पूछा नहीं जाता। अब मैंने कुछ बोला था आपको, देखिए 30 क्वेश्चन आपको SSC के आएंगे, 10 क्वेश्चन बैंकिंग के आएंगे UPSI में। तो अगला सॉल्व करिए सभी लोग। इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज लर्निंग इज रिटन एज दिस वन, टावर इज रिटन एज दिस वन, तो रिवर्ट का पूछा गया है, तो फटाक से सॉल्व करिए। 20 सेकेंड का टाइम है आपके पास, 20 सेकेंड्स, बहुत बढ़िया। पिछला वाला बहुत ही शानदार था, 99% लोगों ने एकदम एक्यूरेट दिया है, क्लियर है? शिफाली जी को भी समझ में भी आ गया, कोई बात नहीं, जो गलत होना बुरा नहीं, हमेशा ध्यान रखना गलत होना मैं कहता हूँ और अच्छा है, उससे पता है आप अलर्ट हो जाते हो और सावधान हो जाओगे, क्लियर है? और प्रिकॉशन के साथ सॉल्व करोगे, और लेकिन हमेशा ध्यान रखना अगर आपको लग रहा है कि मेरा सॉल्व नहीं हुआ है
तो तुक्का मारने से अच्छा आप स्किप लिख कर भेज दो, क्या लिख के भेजो, स्किप, क्योंकि खाली बैठे रहोगे तो भी सही नहीं है, गलत आंसर दे दोगे तो भी सही नहीं है, और अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो आप स्किप लिख कर भेज दो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन सॉल्व जरूर करें। 20 सेकेंड के ऊपर हो चुके हैं, अनिल जी ने आंसर दे दिया, क्लियर है, शिवाय गुप्ता जी ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, फटाक से सॉल्व करके आंसर दिए सभी लोग। अब देखिए आपके सामने आंसर आ चुका है और आंसर आ रहा है सेकेंड इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर है। देखो पहला शब्द आप देख सकते हो चौथे पर गया +3 लेकर, 12 3 15, और चौथा शब्द पहले पर आ रहा है, हमेशा ध्यान रखना अगर पहला चौथे पर जा रहा है तो चौथा पहले पर आएगा, ये फंडा फिक्स है, क्लियर हो, एक सिमेट्री जरूर बनेगी इसमें। देखो एक खासियत ये थी, यहाँ पे 4 माइनस ले रहे हैं और यहाँ पे 4 प्लस ले रहे हैं, अगर ये आपने गेन कर लिया तो नोटिस करना सारे क्वेश्चंस आपकी मुट्ठी में थे। कुछ लोगों ने देखिए, अंजलि जी ने स्किप लिखा है, देवी ज्योति दास जी ने स्किप लिखा है, क्लियर है, ये बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो और इसको क्लियर, अब देखो 8 एलिमेंट है तो 4-4 में बांट गया, 6 होंगे 3-3 में बांट देंगे हम लोग, मतलब फर्स्ट हाफ को क्रॉस मैथड से +3 कराया है, फिर सेकेंड हाफ को क्रॉस मैथड से -3 होल्ड कराया है, जैसा कि आपके सामने है। अब हमसे पूछा गया था रिवर्ड, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, 3 एलिमेंट को हम प्लस, अब देखो ध्यान समझना, v की वैल्यू होती है 22 3 25, y आएगा तो पहला तो y हो गया, 18 3 21 21 होता है u, तो पहला y और u होगा, दैट मीन्स कि ये और ये कट जाएंगे, मानते हैं। अब नोटिस करिएगा लास्ट एलिमेंट अगर हम चेक कर लें तो उससे से हमें पता चल जाता है, लास्ट में -3 करेंगे तो b आएगा, तो ये वाला भी आपका कट जाएगा, और 3 एलिमेंट से आपने सॉल्व कर लिया पूरा क्वेश्चन। लॉजिक पता लगाना बहुत ज़रूरी है, लॉजिक पता लगाने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय कम लगेगा, तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ चुका होगा, आशुतोष जी ने भी, साकेत जी ने स्किप लिखा था, तो समझ में आ गया हो क्वेश्चन कैसा है और कई बार पूछा जा रहा है। बस होता क्या है कि SSC में इससे भी हलवा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर है, लेकिन ऐसा नहीं कि SSC में नहीं पूछा जाता, लेकिन करंट सिनारियो में कोडिंग डिकोडिंग का इससे भी आसान क्वेश्चन SSC में पूछा जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैं इस क्वेश्चन को SSC लेवल का ही बोलूंगा, ये बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ करंट सिनारियों में ऐसे SSC क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं, ये मैं एग्री करता हूँ सभी से, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, जल्दी से हम लोग अगले मूव करते हैं, सॉल्व करिए अगला, 20 सेकेंड का टाइम है। आयरलैंड, डबलिन, ग्रीस, अब देखो भैया GS का क्वेश्चन है, टोटल GS बेस लॉजिकल वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम है, GS बेस क्वेश्चन है, देखें कितने लोग सही आंसर देते हैं, बहुत बढ़िया, फटाक से सॉल्व करिए, जिसको लग रहा है डाउट वो तुरंत स्किप लिख कर भेज सकता है, डिसीजन आप तुरंत लो, करना है कि नहीं करना, इससे बहुत बहुत फायदा होगा, एग्जाम हॉल में भी आप डिसीजन तुरंत ले पाओगे। देखो अगर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सर हम स्किप क्यों लिखें, हम चुपचाप बैठे रहते हैं थोड़ी देर में आप आंसर दे देंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम हॉल की प्रिपरेशन में करा रहा हूँ, जैसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आया आपको फैसला लेना है मैं करूँ या स्किप कर दूँ, तो ये फैसला अभी से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो प्रैक्टिस हमेशा एग्जाम हॉल में बनी रहेगी, इसीलिए मैं इस बात को बोल रहा होता हूँ कि अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है स्किप लिख कर भेज दो फटाक से। अब देखिए रश्मि जी बी बोला, कुछ लोगों ने ए बोला, कुछ लोगों ने सी बोला, बड़ा कंफ्यूजन है, कुछ ए है कुछ बी है कुछ सी है, लेकिन हाँ लोगों ने, प्रियंका जी ने देखिए स्किप लिख दिया, बहुत बढ़िया, साधना जी ने स्किप लिखा है, बहुत बढ़िया, जल्दी सॉल्व करिए जल्दी, जिसको लग रहा है कि मैं डाउट में हूँ स्किप लिख कर भेज दो, अब ऐसा मत करने लग गूगल सर्च करने लगो भैया, एग्जाम हॉल में गूगल सर्च करने को नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अभी हाँ सपना झा जी ने देखिए स्किप लिख कर भेज दिया, बहुत बढ़िया, देखिए एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। अब चलिए आंसर दिखाते हैं आपको, आंसर क्या होगा, कौन सही हो रहा है, आंसर आ रहा है फर्स्ट इज द राइट आंसर, पहला आंसर सही है, डबलिन, देखो ये शहर है, क्लियर है, और वो आयरलैंड के अंदर पाया जाता है, GS का बेस क्वेश्चन है, और ग्रीस अलग है, पसंद में ग्रीस अलग है और डबलिन आयरलैंड के अंदर है, तो जो लोग बी बोले वो डूब गए, सी बोले वो डूब गए, कुछ लोगों ने डी बोला था वो भी डूब गए, समझ में आया कुछ कुछ, दैट्स वाई, तो ए इज़ द राइट आंसर, लेकिन जिन लोगों ने स्किप करा था, अब जिनका आंसर गलत हुआ उनको नंबर मिले -2.5, जिन्होंने स्किप करा था उनको नंबर मिले 0, तो फ़ायदा किसका है, ये स्किप वाला है और ये वाला वो है जिसने रॉन्ग करा था, तो रॉन्ग वाले को नंबर मिले 2.5, पूरे 2.5 नंबर मिले और स्किप वाले को मिले 0, तो नोटिस करना विनर वो होगा जो इसने स्किप करा है क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर विनर वो मिला रहा है, वैसे एक और भी है, कई लोगों ने सही भी आंसर दिया होगा, लेकिन सही वाली कैटेगरी अगर मैं हटा दूँ 2 मिनट के लिए,
तो नोटिस करना, स्किप और रॉन्ग वाले में स्किप वाला जीतेगा। तो इसीलिए मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ तो स्किप करने में बुराई नहीं है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला अखिल जी ने भी, बोल रहे हैं आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट सॉल्व करिएगा, बहुत ध्यान से बनाइएगा। वायलिन, गिटार, बैंजो, फ्लूट और वाइलो। क्लियर है, वाइला। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको पांच चीज़ें दे दी लेकिन ऑप्शन चार ही में दिया हुआ है। क्लियर है, तो नोटिस करिएगा जो चार ऑप्शन दिए हमें उसी पर फोकस करना है। तो फटाक से सॉल्व करिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल स्वाति जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, पता नहीं था कहाँ पर है, इसीलिए मैंने भी बोला था कि अगर नहीं पता होगा तो स्किप कर देने में बुराई नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पेपर में 40 क्वेश्चन आते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है आप 40 में से 40 करिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर कंपल्शन है कि भैया अगर आपने 35 करा है, 40 में से 35 आप करके आए तो 35 सही हो, ये कंपल्शन है। अदरवाइज आप करिए मत, आपको लग रहा है कि मैं 40 में से 25 ही कर पाऊँगा तो 25 ही करिए, लेकिन 25 सही करिए तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, ध्यान रखिएगा सभी लोग। बहुत ही शानदार, देखिए फ्लूट लोग, रश्मि जी फ्लूट बोला है, बहुत बढ़िया। सपना झा जी ने फ्लूट बोला है, बहुत ही शानदार। लोगों के आंसर देखे आ रहे हैं, बांसुरी बिल्कुल सही है, बांसुरी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। और ये इंस्ट्रूमेंट है जो हम हवा से फूकते हैं तब ये बजता है, बाकी में वायर होते हैं, दैट्स वाई अलग है। तो दैट्स वाई तीनों में फ्लूट इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बांसुरी। क्लियर, तो बहुत बढ़िया, बहुत मस्त है लोगों का रिस्पांस। अब अगला सॉल्व करेंगे और इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट का दर्जा मैं दे रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ध्यान सॉल्व करिएगा सभी लोग। और एक चीज़ मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो लोग ये सोच रहे हैं कि भैया इसमें वॉवल है बाकी सब में कॉन्सोनेंट है, ऐसा लॉजिक नहीं हुआ है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, इसीलिए मैंने इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट का दर्जा दिया है। इसमें दो लॉजिक बन रहे हैं, तो ये तो बड़ा आसान सा हो जाएगा, ये बड़ा आसान सा हो जाएगा आपके सामने। क्लियर है कि ये यहाँ पे वॉवल है, इसमें कॉन्सोनेंट है, बाकी सब में कॉन्सोनेंट है, ऐसा नहीं हुआ है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। मैक्सिमम लोग इसमें वन लगा के चले आएंगे, लेकिन मैं पहले ही बता दिया, मैंने हिंट आपको दे दिया कि पहला जो लोग लगा रहे हैं वो कुछ गड़बड़ करेगा। अब देखिए बहुत सारे लोगों ने आंसर बदल दिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। कुछ लोग QR पे जा रहे हैं, QR बोल रहे हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अब देखिए क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आंसर बताया जाता है, आंसर बनेगा क्या। देखिए नॉर्मली नोटिस करना, एक्सेप्ट ऑप्शन 3, ऑल आर द सम ऑफ द अदर इज एन इवन नंबर, बिल्कुल सही है, लॉजिक आपके सामने लिखा हुआ है। देखो 5 और 7 को मैं जोड़ूंगा तो वैल्यू कितनी आती है, 12, पक्का। 2 और 4 को मैं जोड़ूंगा तो वैल्यू कितनी आती है, 6। 17 और 18 को मैं जोड़ूंगा तो वैल्यू कितनी आती है, 35। 11 और 13 को मैं जोड़ूंगा तो वैल्यू कितनी आती है, 24। हाँ या ना, तो ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, लेकिन ये ऑड है, तो यहाँ पर ये लॉजिक लगाया गया है। पर लेकिन मैक्सिमम लोग एग्जाम में क्या लगा कर आएंगे ये, तो देखो इस क्वेश्चन में दो लॉजिक लग रहे हैं। अब इसमें सेकेंड लॉजिक को इन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है कंपेरिजन फर्स्ट वन, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, इसमें मैक्सिमम लोग वन लगा कर आते हैं। क्लियर है, वॉवल के बेसिस पे लेते हैं, लेकिन इसमें थर्ड पे आंसर दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। और रियल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये रियल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, दैट्स वाई। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सॉल्व करिए। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, GS बेस्ड क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का। नहीं आता तो स्किप लिख दो भैया, गेस मत करना। फिनलैंड, क्यूबा, कनाडा और सेंट लूशिया, जल्दी सॉल्व करिए। और अगर आपको लग रहा है भैया गैपिंग भी एक लॉजिक है, बिल्कुल, प्रियंका जी बोल रही है सर गैपिंग भी एक लॉजिक है, बिल्कुल हो सकता है प्रियंका जी, थर्ड बेस पर बनाने के लिए कि जो गैपिंग दी हुई है, जैसे हम देख सकते हैं गैपिंग का पॉइंट, चलिए गैपिंग का पॉइंट दे देखें, यहाँ पे 2 का 5, 2, 7, 2, 2, 4, बिल्कुल सही है, वैलिड है पॉइंट आपका, 11, 2, 13। और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो 11 और 17, ये भी एक लॉजिक है। इस पॉइंट से भी देखिए नोटिस करिए, थर्ड ही आंसर आ रहा है। तो अगला बताइए जल्दी सभी लोग, टाइम देखिए खत्म हो चुका है, टाइमर देखिए फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया 15 सेकंड का। अब देखिए आंसर भी दे दिया था, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया भी है, कुछ लोग थर्ड पे जा रहे हैं, कुछ लोग फोर्थ पे जा रहे हैं, चलिए हम बताते हैं आंसर क्या होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर, इस बार मैक्सिमम लोग डूबे हैं,
लेकिन प्रियंका जी ने बहुत बढ़िया काम करा था, स्किप लिख कर भेज दिया था। अच्छा देखो, किसी ने स्किप नहीं लिखा था, एक ही पर्सन है जिसने स्किप लिखा, और 99% लोग इस क्वेश्चन में गलत हो गए। 99% लोग गलत हुए इस क्वेश्चन में। फिनलैंड इज द राइट आंसर, अ कंट्री इन यूरोप। अब देखो फिनलैंड जो है वो यूरोप की कंट्री है। इसके अलावा क्यूबा, कनाडा और सेंट लूसिया द कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका। क्लियर है? तो ऐसा भी हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जीएस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्लासिफिकेशन में। क्लियर है? और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि एग्जामिनर अगर चाहे तो आप कोई भी क्वेश्चन ना कर पाए क्लासिफिकेशन और एनालॉजी के, ऐसा होता है, रियलिटी है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं आप। जैसे नोटिस करना, कई लोग सोच रहे होंगे कि बताइए कहाँ से पूछ लिया, फिनलैंड, क्यूबा, कनाडा, हमें क्या पता क्या होगा। क्लियर है? तो क्लासिफिक रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है क्लास एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं 100% एक्सपर्ट हूँ। मैं खुद नहीं कह सकता कि मैं 100% एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि एग्जामिनर जब वो क्वेश्चन पूछ रहा होगा तो वो क्या सोच कर बना रहा हो कोई नहीं जानता। लेकिन ये देखा गया है कि एग्जाम में चार क्वेश्चन आते हैं एसएससी पॉइंट ऑफ से, तो एक ही क्वेश्चन ऐसा होता है हार्ड हो, बाकी तीन आसान होते हैं। लेकिन हाँ, यूपीएसआई ने क्या करा, इन्हीं के क्वेश्चंस को थोड़ा सा हार्ड कर दिया। समझ में आया? क्वेश्चन को हार्ड कर दिया, दैट्स वाई ये यूपीएसआई में चला गया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपके लिए हार्ड है तो सभी के लिए हार्ड है। यहाँ पे देखो, अगर आपके लिए हार्ड है सबके लिए हार्ड है। अब मैटर क्या होता है, कुछ लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, कुछ लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को स्किप कर देंगे और वो विन हो जाएंगे, और कुछ लोग क्या करेंगे -2.5 ले जाएंगे, और जहाँ -2.5 ले जाएंगे वो लोग लॉस में होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है डाउटफुल है तो स्किप करना अकलमंदी होता है, कंपेरिजन गेस कर देना। क्लियर है? तो अगला करो, सॉल्व करो, अगला सॉल्व करके बताइए मुझे। बहुत ही बढ़िया है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, रेणुका जी रॉन्ग हो गया, स्वाति जी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ स्किप करना सीखना पड़ेगा, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ इस क्लास में। क्लियर है कि स्किप करना सीखना पड़ेगा। अगर स्किप करना सीख गए क्वेश्चन को, किस क्वेश्चन को मैं करूँ किसको ना करूँ इस बात का फैसला आप सीख गए, तो नोटिस करना, जैसे सिलॉक्स में मैंने आपको बताया था कि जो लोग गलत और कांड से करने का फैसला सीख गए उनको सिलॉक समझ में आ जाएगा, वही मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को ये पता चल जाएगा किस क्वेश्चन को मैं करूँ और किसको मैं स्किप कर दूँ। क्लियर है? तो फॉर रीजनिंग में नो डाउट बहुत अच्छा स्कोर पाएंगे और मैरिट भी बहुत अच्छी बनाएंगे। अब देखिए, तुरंत अखिल जी ने स्किप लिख कर भेज दिया, अतिफ जी ने भी स्किप लिख कर भेज दिया, प्रियंका यादव जी ने भी स्किप लिख कर भेज दिया। देखते हैं बाकी लोग क्या कह रहे हैं। बहुत सारे लोग स्किप लिख कर भेज रहे हैं। दिव्य ज्योति दास जी ने लिखा, इनका कोशिश करी है उन्होंने, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोग स्किप लिख रहे हैं भैया। अंजलि शाहू जी ने, अब देखो यहाँ पे है क्या, पहली बात समझते हैं को आपने ये सुना होगा कि पौधे भी ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, कीट को खाते हैं। तो वीनस मक्षिका फंद ये कीटों को खाने वाला पौधा है, घटपड़ी ये भी कीटों को खाने वाला पौधा है, हर्बी वायरस सुना ही होगा आपने। तो जो पौधे भी होते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं, क्लियर है, जो कीड़ों को खा लेते हैं, जैसे ही कोई कीड़ा उनके पास बैठेगा वो उसको बंद कर लेंगे और उसको खा डालेंगे, इस तरह से होता है। तो सूर्यमुखी का जो फूल होता है सनफ्लावर, ये अलग है, नॉर्मल एक फ्लावर है, बाकी सारे क्लियर है कीड़ों को पतंगों को खाने वाले पौधे हैं के नाम है। अब इसीलिए नाम आपको बड़े अजीब से लग रहे होंगे, क्लियर है, पिचर, क्लियर है, घटपड़ी जिसको पिचर बोलते हैं, संजीव नाम है, वीनस मक्षिका फंद ये भी एक नाम होता है पेड़ का, पौधे का, जो कीड़ों को खाता है। तो दैट्स वाई सनफ्लावर इज द राइट आंसर। आंसर क्या आएगा, सनफ्लावर। समझ में आया सभी को? क्लियर है? तो चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने बिल्कुल अच्छा आंसर दिया, लेकिन हाँ कुछ लोगों को समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब देखो साइंस के बिहाफ पे क्वेश्चन बना दिया गया, तो कहीं से भी एग्जामिनर कहीं से भी उठा के क्वेश्चन बना सकता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का पैटर्न कहीं से भी सेट करा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोगों को दो मिले हैं इस बार, मैंने कुछ नोटिस करा है, इस बार कुछ लोगों को दो मिले हैं, ये देखा गया, कुछ लोगों को 2.5 मिले हैं और कुछ लोगों को जीरो मिले हैं माइनस का, ये सिचुएशन आई है। तो सबसे बढ़िया तो यही होता है, लेकिन अगर ये नहीं आ रहा है तो भैया ये ज़्यादा बेटर है ना, ये अवॉइड करिए। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है इस पॉइंट को अवॉइड करिए, -2.5 लेने को अवॉइड करिए, या तो आप दो नंबर पूरे पॉजिटिव लीजिए या तो जीरो में संतुष्ट हो जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। समझ में आया? क्लियर है? ध्यान रखिए काम होने भी। चलिए आपके एक पसंद का क्वेश्चन आ गया है ना, हाउ मैनी ट्राइंगल, बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा सभी लोग,
हाउ मेनी ट्राइंगल के ऊपर क्वेश्चन है, ट्राइंगल कितने हैं। अब इसमें गलती मत करना और ना ही इसमें स्किप लिख कर भेजना कोई, तो वो स्किप करने वाला क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ एनालॉगी का हो सकता है, क्लासिफिकेशन का हो सकता है, वो वाले ऐसे क्वेश्चन थे जो जीएस बेस्ड क्वेश्चन थे, जो जीएस बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप स्किप करो, मैं समझ में आता है। लेकिन ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल काउंट करने वाला क्वेश्चन है तो भैया 10 सेकंड और लगा दो, मैंने 20 सेकंड दिए, चलो 20 सेकंड और दे देते हैं आपको, 20 सेकंड और आपको दे देते हैं, तो उसके बाद आपको आंसर निकालना ही चाहिए। समझ में आया? तो चलिए आंसर बताते हैं, इसका आंसर क्या बनेगा। लोगों ने आंसर भी देना शुरू कर दिया है, बहुत ही शानदार। अब देखो समझाते हैं कैसे बन रहा है, देखो कैसे काउंट करते हैं, हम कैसे काउंट करते हैं ये हम समझा देते हैं। 1 2 3 4 चार ये बन गया, 5 6 7 8 9 10, तो इस पूरे एरिया से 10 बनेंगे कंफर्म। समझ में आया सभी को? देखिए सपना झा जी ने 24 और 24 तो मेरे ख्याल से मैंने दिखा भी दिया था अभी, 24 आंसर आ रहा है, पेज भी पलट गया था गलती से, चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों ने 24 देख लिया है। अब इस बात को समझाना है 24 बना कैसे, इसी बात को समझाने जा रहा हूँ मैं। 10 तो यहाँ समझ में आ गया सबको, अब देखो 11 12 इन दोनों को मिला के 13, इन दोनों मिलाकर 14 हो गया, 14 के बाद आते हैं 15 16 और ये हो गया 17, 17 हो गया। अब देखो ये 18, ये हो गया 19 हो गया, एक ये देखो 20, ये हो गया 21, ये हो गया हमारा 22, अब दो ये वाला हो जाएगा 23, ये वाला पूरा बड़ा 23, और ये वाला हो जाएगा 24, तो कुल मिलाकर 24 बनेंगे, कंफर्म आंसर 24 बनेगा। अब इस क्वेश्चन देखिए, आंसर आपको पहले ही दिखा दिया था मैंने, गलती से पेज अगला वाला पलट गया था, तो सभी लोगों ने चेक कर लिया होगा, लेकिन हाँ समझना बहुत ज़रूरी है 24 बना कैसे। चलिए आपको फिर से एक बार समझाते हैं, देखो पहले इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 चार ये हुए, फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 6 7, फिर इनको जोड़ोगे तो 8 8, और ये रहा 9, और ये सबसे बड़ा वाला कितना होता है 10 10 हो गए, तो यहाँ से हमें 10 मिलकर आ रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको। अब देखो 11 यहाँ पे क्या आएगा, 11 ये होगा 12 हो गए, इन दोनों को मिलाओगे तो 13 हो जाएगा, इन दोनों को मिलाओगे तो 14 हो जाएगा, फिर देखो 15 16 और इनको मिलाओगे तो 17 15 16 और ये हो गया 17 17, उसके बाद देखो ये वाला मिलाएंगे तो 18, ये वाला मिलाएंगे तो 19 19 हो गए, उसके बाद देखो ये वाला 20, फिर ये वाला 21 और ये वाला 22, फिर लास्ट में ये वाला हम मिलाएंगे 23 और दिस वन मिलाएंगे तो हो जाएगा 24, तो 24 इज द राइट आंसर, आंसर 24 बनेगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, समझ में आया आपको। नेक्स्ट सॉल्व करिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है लॉजिकल का, इस बार देखते हैं कितने लोग जीतेंगे। लॉजिकल का क्वेश्चन है कंक्लूजन बेस, और ध्यान से सॉल्व करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कोई ये नहीं कह सकता कि हमें नहीं आता। हाँ क्लियर है, लॉजिकल रीजनिंग में क्लियर है, इजी भी है टफ भी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाला पार्ट है, कोई बात नहीं। नहीं अच्छा नहीं देखा था, रश्मि जी बोल रही है नहीं देखा था आंसर सर, चलिए कोई बात नहीं रश्मि जी, क्लियर है आपने अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करा, बहुत अच्छी बात है ये, हमें फटाक से सॉल्व करिए, बहुत बढ़िया, पिछला वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान सॉल्व करिए, कथन कह रहा है, स्किप भी लिखकर आप भेज सकते हो क्वेश्चन में अगर डाउटफुल लग रहा है। नागरिक प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि पानी की खपत कम करें क्योंकि वहाँ आने वाले हफ्तों में जल का भीषण कमी हो सकती है, ऐसा होता भी है कि गवर्नमेंट अपील करती है कि भैया पानी का कम से कम यूज़ करो। पहला पॉइंट, निकट भविष्य में बारिश बिल्कुल नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, लोग नागरिक अधिकारियों की सलाह का पालन करने के लिए तैयार हैं, तो बताइए फटाक से क्या होना चाहिए। आर रविचंद्रन जी 1 बोल रहे हैं, बाकी मैक्सिमम लोग 2 पे जा रहे हैं, कंक्लूजन की बात करी गई है और बिल्कुल सही है, सेकंड वाला एकदम सही। देखो पहला वाला भैया कैसे बता देंगे कि निकट भविष्य में बारिश नहीं होने वाली है, क्लियर है ऐसा नहीं बोला है, आप पानी कंजम्पशन कम करिए तो लोग इसको फॉलो करेंगे, निष्कर्ष है ये, डैम श्योर है इसको फॉलो करेंगे, ठीक है, तभी वो उसने बोला भी होगा, तो सेकंड इज द राइट आंसर, आंसर सेकंड बनेगा, परफेक्ट आंसर सेकंड है, और सभी लोगों ने आंसर अच्छा दिया, 99% लोगों ने एकदम एक्यूरेट आंसर दिया है, तो बहुत ही शानदार है। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग, अगले पर आते हैं, नंबर सीरीज। अब देखिए बिना नंबर सीरीज के कोई पेपर पूरा नहीं हो सकता, तो आपके सामने नंबर सीरीज है, ध्यान से सॉल्व करिए, बताइए 9 7 देखिए कम हुआ है, फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ रहा है, तो बताइए कैसे हुआ कम।
बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा सभी लोग, बहुत ही शानदार। अगर आपको लग रहा है, इकराम जी बोल रहे हैं सर अगर पेड बैच यस है तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इकराम जी मैंने जहाँ तक अपने पेड बैच का लिंक भी आप लोगों को भेजा था ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, आज मैं फिर से भेज दूंगा, क्लियर है। अपने पेड बैच का जो लिंक है जो मैं आप यहाँ भी काम कर सकते हैं कि mahindra.org पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। अदरवाइज मैं टेलीग्राम में अपना पेड बैच का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट उस बैच में जा सकते हैं। अदरवाइज एवरी वेडनेसडे आपका बैच स्टार्ट होता है। बिल्कुल हो सकता है अकल जी, वाटर शॉर्टेज का भी रीज़न हो सकता है, लेकिन हाँ जो हमसे पहले बोला गया है क्लियर है कि बारिश ही नहीं होगी, क्लियर है, तो वो हम अज्यूम्पशन नहीं लगा सकते। जो गिवन टू पॉइंट है उन्हीं के ऊपर हमें सोचना पड़ता है। संध्या जी ने बिल्कुल स्किप लिख दिया है, साकेत जी ने थर्ड बोला है, स्वाति जी ने थर्ड बोला है। चलिए समझाते हैं आंसर क्या बनेगा। बहुत सारे लोगों ने स्किप लिखा है, कुछ लोगों ने आंसर देने की कोशिश करी है, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। आंसर आ रहा है सेकेंड इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर है स्वाति जी। देखिए मल्टीप्लाई वन माइनस टू देख सकते हैं आप, मल्टीप्लाई टू माइनस थ्री माइनस फोर, ये पैटर्न पहले मैथ्स में आता था लेकिन अब बहुत टाइम से देखा गया, SSC में पूछा जा रहा है, तो ये भी नया नहीं है। अब एग्जामिनर क्या करता है, देखो या तो वो इस नंबर को असेंडिंग में कर देगा या डिसेंडिंग में कर देगा, ऐसा भी होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नंबर भी ये मल्टीप्लाई वाले नंबर भी असेंडिंग बढ़ रहे हैं और माइनस वाले नंबर भी असेंडिंग बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई वन हो रहा है, घटाया तो दो से गुणा तीन घटाया, तीन से गुणा चार घटाया, चार से गुणा पाँच घटाया, पाँच से गुणा छः घटाया, समझ में आया सभी को। तो एक नया पैटर्न है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्लियर है। और मिल भी जाता है लॉजिक, ऐसा नहीं है कि लॉजिक नहीं मिलता है हम लोगों को, लॉजिक मिल जाता है, थोड़ा प्रैक्टिस का पार्ट है, ध्यान रखिएगा। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, एग्जामिनर को ये बात पता चल गई कि डिफरेंस निकालने से लोग कर ले रहे हैं जल्दी आसानी से, तो थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए ये पैटर्न दिया जा रहा है रीजनिंग में। ऐसे ये एक्चुअल मैथ्स का पैटर्न है लेकिन ये रीजनिंग में पूछा जा रहा है, तो जल्दी सॉल्व करिए सभी लोग। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसको आप सिलॉक्स में भी बोल सकते हैं और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो लॉजिकल का पार्ट है उसमें भी डाल सकते हैं, तो ध्यान से सॉल्व करिएगा, रियल है एकदम, क्लियर है। दैट्स व्हाई सिलॉक्स के थ्रू सॉल्व करिए, चाहे जिसके थ्रू सॉल्व करिए, आंसर गलत नहीं होना चाहिए, बस। बहुत ही बढ़िया, पिछला वाला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने आंसर नहीं दिया था, छोड़ दिया था, मेरा रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को जरूर आंसर दीजिए सभी लोग। अगर आपको लग रहा है मुझे डाउटफुल है तो आप स्किप भी लिख कर भेज सकते हो। ऑल वाइट ब्लड सेल्स आर द ब्लड सेल्स, क्लियर है, ऑल वाइट ब्लड सेल्स आर द ब्लड सेल्स लिख लिया मैंने, सम ब्लड सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स, सम ब्लड सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स, समझ में आया। अब ये आपका इंग्लिश में था, ये हिंदी में हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। पहला कंक्लूजन आपसे कह रहा है, देखिए कुछ लोगों ने बोला, सपना झा जी बोल रही है सर नन होगा, प्रियंका जी सेकंड पर हैं, नवीन तिवारी जी बी पर हैं, प्रियंका यादव जी सेकंड पर हैं, रश्मि जी नाइदर होगा, नाइदर बोल रही हैं, प्रियंका जी भी नाइदर हैं। चलिए देखते हैं, अभी समझाते हैं इस चीज़ को, बहुत ध्यान समझिएगा। ऑल ब्लड सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स, ऑल ब्लड सेल, देखो ऑल ब्लड सेल ये रहा ब्लड सेल्स, ये रहा आर द रेड ब्लड सेल्स, तो ये कहाँ है, लेकिन हो सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे, कांड से, और साथ में क्या लगा है, पॉसिबिलिटी, तो ये सही हो जाएगा। पहला वाला कांड से है लेकिन पॉसिबिलिटी की वजह से सही हो जाएगा। दूसरा वाला सम रेड सेल्स, सम रेड ब्लड सेल्स ये वाला आर नॉट ब्लड सेल्स, देखो अभी देखो ये सम नॉट का बोल रहा है, हमने बोला था सम सही है, सम नॉट के बारे में हम कहा जाएंगे कांड से, तो ये कांड से में रह जाएगा, इसके साथ पॉसिबिलिटी लगा नहीं है इसलिए कांड से, तो ओनली वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फोर्थ आएगा। और नोटिस करना, क्लियर है, UPSI में पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन था, अभी सिलॉक्स में भी आप डाल सकते थे, कईयों का गलत हुआ है इस बार, बहुत सारे लोगों का गलत हुआ है, आंसर आएगा ओनली वन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, ओनली वन इज द राइट आंसर ऑप्शन फोर होगा, समझ में आ रहा है सभी को, बहुत बढ़िया, क्लियर है। बहुत सारे लोगों ने आंसर बदल दिया जल्दी से, चलिए लेकिन समझ में आया लोगों को। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सिलॉक्स पढ़ाया गया, मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि सही गलत और कांड से में अगर मैं पॉसिबिलिटी लगाऊं, नॉर्मल केस है, अगर मैं पॉसिबिलिटी लगाऊं
तो सही को गलत कर देगा, गलत को गलत रखेगा और कांट से को सही कर देता है। तो ये कांट से सिचुएशन थी जो पॉसिबिलिटी की वजह से सही हो गई, दैट्स वाई आंसर पहला सही हो गया। अदरवाइज अगर ये पॉसिबिलिटी ना लगा होता तो ये भी कांट से और आंसर आता नाइदर, तब आंसर नाइदर होता। जो लोग नाइदर बोल रहे थे ऑप्शन नंबर टू, नाइदर तभी होता जब पहले वाले में पॉसिबिलिटी ना होती, क्लियर ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ में आ गया मेरे ख्याल सभी लोगों को, क्लियर है। सपना जी को भी, दिव्य ज्योति दास जी ने, बहुत सारे लोगों ने सही भी आंसर दिया था, कुछ लोगों ने गलत दिया, तो समझ में आ गया उनको ये पॉइंट। अगले पे मूव करते हैं, अगला सॉल्व करिए, डाटा सफिशेंसी है भैया, अगला क्वेश्चन है डाटा सफिशेंसी, तो ध्यान से सॉल्व करिएगा। और ये SSC में नहीं आता है, मैं क्लियर कर देता हूँ, लेकिन रेलवे NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, और UPSI में डाटा सफिशेंसी आता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आने वाले टाइम में तीनों का एग्जाम कंबाइंड हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके पार्ट में भी आ जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। तो फटाक से सॉल्व करके बताइए मुझे, देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, फटाक से सॉल्व करिए, देखिए टाइम बहुत लिमिटेड होता है, क्वेश्चन और भी बहुत सारे बचे हुए हैं अभी। बहुत बढ़िया, देखिए टाइम खत्म हो चुका है, देखते हैं लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोगों ने आंसर नहीं दिया, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। सपना झाजी ने बोल दिया सर थर्ड होगा, थर्ड मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 सफिशियंट टू द आंसर द क्वेश्चन, ओके। दिव्य ज्योति दास जी ने स्किप लिख कर भेजा है, गुड वन। देखो माइनस से अच्छा है स्किप लिख दो, और खाली बैठने से भी अच्छा है, खाली बैठने से भी अच्छा है, आपको लग रहा है कि मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो स्किप लिख कर भेज दो। अब देखिए सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं, अखिल जी ने भी स्किप लिख कर भेजा है, देखिए समझाते हैं इसको। वो अमंग द फॉलोइंग 5 स्टूडेंट्स स्कोर द लोवेस्ट मार्क्स, सबसे कम किसको मिले हैं, यू स्कोर मोर देन डब्ल्यू, यू के पास डब्ल्यू से ज़्यादा मिले, क्लियर है, बट स्कोर लेस देन एक्स और वाई, अब एक्स और वाई से कम मिले हैं, अच्छी बात है, हमने एक्स और वाई को यहाँ बना लिया, क्लियर है, ये बन गया। लेकिन 5 लोग हैं और हमारे पास सिर्फ 4 का डाटा आया है, तो सबसे कम किसको मिले हैं हम नहीं बता सकते, क्योंकि कब सबसे कम W भी हो सकता है, और सबसे कम जो मेंबर बच गया, कौन बच गया हमारे पास, क्लियर है, जेड बच गया, जेड भी हो सकता है सबसे कम, तो यहाँ वाले से आंसर नहीं आएगा। अब दूसरे वाले होते हैं एस स्कोर मोर देन वाई, एक्स स्कोर मोर देन वाई बट नॉट द हाइएस्ट, बट लगा, देखो बट लगा रखा है, इसका मतलब एक्स की बात कर रहा है, याद रखना ये एक्स की बात कर रहा है, कहना चाहता है एक्स नॉट द हाइएस्ट, तो एक्स हाइएस्ट नहीं, इसके मतलब कोई ना कोई पहले होगा, इसके पहले डैम श्योर है, तो यहाँ से भी आंसर नहीं आएगा, ये भी कन्फर्म है। अब जब हम दोनों को मर्ज करेंगे, जब मर्ज करते हैं तो नोटिस करना, हमारा एक्स और वाई में यहाँ पर एक्स पहले आएगा, वाई बाद में आएगा, पता चला, फिर यू आ रहा है, फिर डब्ल्यू आ रहा है, और उसके पहले कोई ना कोई आना है, क्योंकि एक्स से पहले कोई ना कोई आना है, तो वो जेड हो जाएगा, तो सबसे कम वाला कौन हुआ, डब्ल्यू, तो आंसर निकल कर आ रहा है थर्ड इज़ द राइट आंसर, आंसर थर्ड बनेगा, परफेक्ट आंसर थर्ड है, कि दोनों इंडिविजुअल गलत हैं लेकिन कंबाइंड करने के बाद आंसर एकदम परफेक्ट दे रहे हैं, तो इसलिए आंसर थर्ड बोला जाएगा बोथ। अब धीरज जी ने आंसर गड़बड़ हो गया, धीरज जी नॉट सफिशियंट नहीं होगा, धीरज जी बोथ आर सफिशियंट हैं मेरे ख्याल से, धीरज जी ने, धीरज शर्मा जी ने कुछ गड़बड़ कर गए, बोथ आर नॉट सफिशियंट उसने बोला था आंसर, लेकिन थर्ड आएगा। अंजलि जी भी गड़बड़ हो गया, रश्मि जी का सही निकला, आशुतोष जी ने स्किप लिख दिया था, कोई बात ही नहीं, फिर तो ठीक है। अब जिन्होंने, देखो यही फायदा समझ में आता है, जिन्होंने गलती करी उनको -2.5, जिन्होंने सही करा उनको 2 नंबर, और जिन्होंने छोड़ दिया उनको 0 नंबर। तो भैया अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में निकालूं तो जिन्होंने सही करा उनको तो फर्स्ट नंबर मिलेगा, लेकिन जिन्होंने छोड़ दिया उनको सेकंड नंबर मिलेगा, और सबसे बॉटम में वो लोग जाएंगे जो लोग गलत हुए हैं, ध्यान रखना ठीक। तो चलिए समझ में आ गया होगा लोगों को, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन से पहले आपको टॉपिक वाइज कार्ड के बारे में बता रहा हूँ, बहुत दिन से बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने ले भी लिया होगा इसको। टॉपिक वाइज SSC का कार्ड mahindras.org पे जाकर आप ले सकते हो, और इस कार्ड में सबसे अच्छी बात यह है, क्लियर, नोटिस करना है कि हर टॉपिक पर 50-50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, और नोटिस करना है ये 50 क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो इससे आपको पता चलेगा पेपर में आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है, पसंद नहीं, हर टॉपिक के 50 क्वेश्चन है, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे वो अर्थमेटिक रीजनिंग हो, चाहे कैलेंडर क्लॉक हो, सिंबल एंड नोटेशन हो, फिगर काउंटिंग हो, टॉपिक वाइज 50-50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपको रियल टेस्ट की तरह मिलेंगे, एक टेस्ट आपको ओपन होगा, उस टेस्ट में आप दे सकते हो, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला सॉल्व करिए, 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ऑड वन आउट है, नॉन वर्बल स्टार्ट हो चुका है, पिक्चर रीजनिंग, देखते हैं पिक्चर रीजनिंग कितने लोग आगे बढ़ते हैं।
बहुत बढ़िया। दिव्य ज्योति दास जी बोल रहे थे डाटा सफिशिएंसी के लिए स्पेशल क्लास कराइए। ठीक, इन दो क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे दे देता हूँ, एक ये चला जाएगा होमवर्क क्योंकि नेटवर्क का कुछ इश्यू चल रहा है, दैट्स व्हाई। तो इनको होमवर्क पे दे देता हूँ मैं, एक ये होमवर्क कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन को भी होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आंसर निकालिएगा और ग्रुप में भेजिएगा, क्लियर है, दैट्स व्हाई। टाइम हाँ बफरिंग की वजह से मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क पर दे रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्व करिएगा और बताइएगा क्या आंसर आया है, ठीक है। दो क्वेश्चन आपको दिए हैं होमवर्क पर, इसके अलावा क्वेश्चन और भी हैं, क्लियर है, और भी क्वेश्चन है। चलिए एक और दे देता हूँ होमवर्क पर। तो तीन क्वेश्चन आपके पास होमवर्क के लिए हो गए हैं, इनको सॉल्व करिएगा, नॉन वर्बल करें, क्लियर है। बीच में कुछ टेक्निकल पॉइंट फंस रहा था जिसकी वजह से आज हम क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, कल मिलते हैं, कल इसी कंटिन्यू करेंगे। तो जो तीन क्वेश्चन आज मैंने दिए हैं उनको डिस्कस